हेलो एवरीवन, एनआईएस डीएलएड के बच्चों के पास एक और मौका मिला है TRA 3 में शामिल होने का। क्या शामिल होना पॉसिबल है? क्या आप लोगों को भी मौका मिलेगा फिर से फॉर्म फिल करने का? इन सभी चीजों पर ही आज बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ फिर से एनसीटी से जो है जवाब तलब किया गया है, फिर से क्वेश्चन पूछा गया है और वो सारे प्रूफ भी दिखाए गए हैं जिसमें कि MHRD की तरफ से बोला गया था कि किस तरह से ये जो NIOS DLED का कोर्स होगा वो एक्चुअली में 18 मंथ्स नहीं 24 मंथ्स होगा और 6 मंथ्स का जो है आप बोल सकते हैं उसको प्रैक्टिकल करवाना या फिर इंटर्नशिप करवाना, जिस भी नाम से हम लोग जानते हैं अपने टीचिंग में, वो करवाने की बात थी। उस पर भी बात करने वाले हैं। पॉइंट्स कौन कौन से हमारे बन रहे हैं जिसे हम आगे लेकर के जा सकते हैं, उस पर भी बात होगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को NIOS DLED से रिलेटेड ऑथेंटिक और आप लोगों की आवाज जो है उठाई जाती है। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि भाई NIOS DLED को एक और मौका मिल सकता है, लेकिन डिफिकल्ट है। सिंपल तरीके से बताया जाए तो रास्ता तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत 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 अच्छा होगा। अगर NIOS DLED वाले बच्चों को मौका दिए दिया जाता है तो यहां पर आप देखेंगे तो TRA 3 के लिए जो है अप्लाई करने के लिए बोला गया है और अप्लाई जो है गेस्ट टीचर के लिए करने का जो है डेट दिया गया। आप लोगों को पता है कि गेस्ट टीचर वाले जो है पटना हाईकोर्ट गए थे और पटना हाईकोर्ट से ये बोल सकते हो कि उनके पक्ष में डिसीजन आया और गेस्ट टीचर वालों को भी जो है वेटेज देने की बात हुई, तो उसके लिए जो है ये पोर्टल ओपन हो रहा है। तीसरे चरण के शिक्षक बहाली TRA 3 के लिए 6-7 जून के बाद फिर से आवेदन दिए जाएंगे। हालांकि इस बार केवल उनको आवेदन देना होगा जिनके पास गेस्ट शिक्षक का अनुभव है और वो वेटेज का लाभ लेना चाहते हैं। अन्य अभ्यर्थी जिन्होंने पहले से आवेदन किया है उन्हें फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। तो हमारा ये है कि जब गेस्ट टीचर के लिए ये ओपन होगा ही पोर्टल, तो उसी समय क्यों ना हम हाई कोर्ट से या फिर कहीं से अनुमति ले लें कि उसमें NIOS DLED वाले को भी फॉर्म भरने दिया जाए, क्योंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो हो सकता है कि वहां से जो भी इंफॉर्मेशन आए या फिर ये भी आप बोल सकते हो कि ये जो है सब्जेक्ट टू आउटकम ले लिया जाए कि एटलीस्ट फॉर्म भरने को दिया जाए, एग्जामिनेशन के लिए दिया जाए और जब वहां से जो फैसला आएगा वो लागू कर दिया जाएगा। तो ऐसा अगर कुछ हो जाता है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो क्या इसके लिए काम किया जा रहा है? हाँ, काम इसके लिए जो है सोचा जा रहा है, किया जा रहा है। देखो, दो तरह से जो है रास्ते निकल रहे हैं। एक तो है कि पटना हाईकोर्ट से जो है आप NIOS DLED को शामिल करने का जो है परमिशन लेकर के आ जाए, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। पटना हाई कोर्ट में थोड़ा डेट लेट मिलता है या फिर ऐसा हो कि डेट मिलने में टाइम लग जाए, तो एक तो ये रास्ता है लीगली। दूसरा जो रास्ता है वो है जैसे कि ग्रुप में आप ग्रुप वगैरह में आप देख ही रहे होंगे, डिस्कशन भी हो रहा है कि जा करके चीफ मिनिस्टर से मिलना है। और देखो, अगर पॉलिटिकल तरीके से रास्ते से जा रहे हो तो उसमें 1, 2 या 4 लोग से नहीं होगा, उसमें आपको नंबर्स दिखाने पड़ेंगे। ज्यादा जितने ज्यादा स्टूडेंट्स कैंडिडेट पहुंचेंगे वहां पर, उतना ये गंभीर मामला जो है वहां पर जिनके पास आप जाओगे उनको दिखाई देगा। तो दूसरा रास्ता जो है पॉलिटिकल रास्ता जो है अपनाया जा रहा है, जिसमें चीफ मिनिस्टर के पास जाने की बात हो रही है कि उनके पास जा करके इस बात को रखा जाए और परमिशन लिया जाए कि NIOS DLED को फॉर्म भरने की अनुमति दे दी जाए। देखो, आगे तो जाहिर सी बात है कि अगर कुछ वैसा निगेटिव होगा तो फिर इन लोगों को मान्यता नहीं मिली है तो आगे भी नहीं होगा, लेकिन एक उम्मीद बच्चों के अंदर जो है जगेगी और हो सकता है कि वहां पर पॉजिटिविटी आए तो उनके लिए बेनिफिट हो जाए, हो सकता है ये। इस पर काम किया जा रहा है और ऐसा बोला जा रहा है कि 4 जून के बाद जो है चीफ मिनिस्टर से मिलने जाएंगे। पटना हाईकोर्ट के बारे में भी सोचा जा रहा है, तो जैसे ही इससे रिलेटेड कोई अपडेट आएगा तो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो है
एनसीटी वाला देखो हमारा, आप खुद देखोगे ना तो आप लोग जैसे मेरे से क्वेश्चन पूछते हो कि मैम क्या चांसेस है, क्या हो पाएगा, क्या हम लोग जीत पाएंगे। देखो आप खुद देख लो, यहाँ पे देखो सबसे पहले तो आरटी एक्ट वाला देखो, आरटी एक्ट 2009 जो क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, उसी के तहत क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के तहत ही आप लोगों का एनआईओएस डीएलएड करवाया गया कि जो भी टीचर प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ा रहे अनट्रेंड है, तो क्योंकि हमारे आरटी एक्ट में बोला जाता है कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए, उसी के तहत जो है ये एनआईओएस स्टार्ट हुआ। तो एनआईओएस जब पूरा क्वालिटी एजुकेशन के अकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है तो ये इनवैलिड कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? अब यहां देखिए, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2017 का मुख्य उद्देश्य आरटी एक्ट के सेक्शन 23(1) में दी गई मिनिमम क्वालिफिकेशन को प्राप्त करवाना था। महोदय एमएचआरडी के दिशा निर्देशन में 22 सितंबर 2017 को एनसीटी ने डीएलएड ओडीएल प्रोग्राम सेशन 2017-19 को मान्यता दी और मिनिमम क्वालिफिकेशन की संज्ञा भी दी। डीएलएड की मान्यता एनआरसी द्वारा एनआईओएस को आदेश संख्या एनआरसी एनसीटी एनआईओएस और मान्यता 275(3) बैठक के माध्यम से पाठ्यक्रम प्रदान किया गया था। तो सब कुछ तो रूल के अकॉर्डिंग किया गया है, करिकुलम बनाने से लेकर के जो है मान्यता वाली बातें सब तो रूल के अकॉर्डिंग है, फिर इनवैलिड क्यों? तो टाइम को लेकर के आइए टाइम पर भी बात करते हैं। यहां पर आपको मैं दिखा रही हूं, देखना टाइम पर क्या बोला गया है। एमएचआरडी द्वारा दिनांक 21 अगस्त 2017 को एनसीटी को एनसीटी एक्ट 1993 के सेक्शन 29 के तहत निम्न निर्देश दिए गए। सेक्शन 29 जो है वो ये कहता है कि एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री को ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें एजुकेशन में किया जा सकता है, तो उन्होंने निर्देश दिया क्या है, द डीएलएड कोर्स विल बी फ्रॉम 3rd of October 2017, 3 अक्टूबर 2017 से स्टार्ट होगा, टू 31st मार्च 2019। देखो आरटी एक्ट में मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात होती है कि टीचर वही बन सकता है जिनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो जब ये एनआईओएस डीएलएड स्टार्ट किया गया तो इसको एज अ मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया राइट टू एजुकेशन 2009 एक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये तो फिर फुलफिल कर रहा है, फिर ये कहां से जो है इनसफिशियंट हो चुका है, कहां से इनवैलिड हो रहा है? चलिए आगे है, वही डेट का खेल है, मतलब वही 24 18 मंथ्स है, लेकिन उसका जवाब भी इसी में दिया गया है, आप देखो खुद ही पढ़ो। द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स विल बी फॉर 18 मंथ्स, कोर्स का ड्यूरेशन 18 मंथ्स का होगा, यानी कि अक्टूबर से अगर स्टार्ट हो रहा है तो आपका जो है जाके मार्च में खत्म होगा 2019 में, तो 18 महीने का होगा। लेकिन सुनो, एज द डीएलएड प्रोग्राम्स ऑफ 2 ईयर्स, क्योंकि ये भी कहना है क्योंकि डीएलएड प्रोग्राम 2 साल का होना चाहिए, तो इसको तो रेगुलर डीएलएड से ही बता रहे हैं ये लोग, ये तो एनआईओएस डीएलएड जो एक ये बना हुआ है कि ये इनसफिशियंट है, इनवैलिड है, वैसा तो कुछ यूज ही नहीं किया गया, ये लिखा गया है एज, देखिए एज द डीएलएड प्रोग्राम ऑफ 2 ईयर्स ड्यूरेशन, 2 ईयर्स होना चाहिए, फिर लिखा गया है एनसीटी शैल अलाउ सब समिंग ऑफ 6 मंथ्स, 6 मंथ्स का यहां पर आपको छूट मिल रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में छूट नहीं है, 6 मंथ्स इंटर्नशिप, 6 महीने का इंटर्नशिप करवाया जाएगा। ये चीजें क्या हमारे साथ नहीं होती है? बीएड वाले नहीं करते क्या इंटर्नशिप? वहां पे भी तो 1 महीने का, तो 22 दिन का, 25 दिन का इंटर्नशिप होता है, तो ये इंटर्नशिप का है, 6 मंथ इंटर्नशिप पीरियड विद इन द ड्यूरेशन ऑफ द प्रपोज ऑनलाइन कोर्स थ्रू द स्वयं पोर्टल एज ऑल द टीचर्स आर इन सर्विस एंड ऑल एंड आर ऑलरेडी टीचिंग। तो 18 और 6 कितना होता है? 24, तो कहां से ये इनसफिशियंट है, फिर इसको इनवैलिड कैसे बता दिया गया? यही सारे पॉइंट्स हैं जो रखना है। एक्चुअली में अगर हम पूरा ओवरऑल देखें ना, तो सरकार का डिसीजन थोड़ा लेट हुआ, यहां पर ऑलरेडी अनाउंस किया गया था कि भाई 2019 तक, मार्च 2019 के बाद जो है कोई भी विदाउट ट्रेंड टीचर, जो विदाउट ट्रेनिंग वाले हैं वो नहीं रहेंगे टीचर, वो नहीं पढ़ाएंगे।
तो ये अक्टूबर में डिसीजन फाइनल करके ले लिया गया भाई कि अक्टूबर से यहां से हम काउंट कर रहे हैं। तो ये अफरा तफरी में लिया गया डिसीजन है, और ये 6 महीने की गलती उन लोगों की, एक थोड़ा सा लेट डिसीजन लेने की वजह से 6 महीने का लैक हुआ। लेकिन 6 महीने को वो भरपाई भी कर रहे थे इंटर्नशिप से, स्वयं पोर्टल से, ये बच्चों ने किया है, फिर कैसे इनवैलिड है, कैसे इसको जो है इस कोर्स को खत्म कर दिया गया है। इन्हीं सभी चीजों पर चर्चा होनी है और इन्हीं सभी पॉइंट्स को रखा जाना है कि ये कैसे हो रहा है, जब ये पूरी तरीके से क्वालिटी एजुकेशन को फुलफिल कर रहा है, इनफैक्ट उसी को फुलफिल करने के लिए इसको लाया गया, तो ये इनवैलिड कैसे है। और टाइम का अगर प्रॉब्लम है तो टाइम भी आप यहाँ पे देख लीजिए, लिखा हुआ है, उन्हीं का अपना वर्डिक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि अभी अनछुए हैं, अनटच्ड हैं, जिनको वहां पे रखा जाना है। तो अभी इसमें बहुत उम्मीदें हैं। जैसे ये दोनों पॉइंट्स उठाने का मकसद बस इतना था, आप लोग डिसअपॉइंटेड हो रहे हो, आप लोग को कुछ लोग कर भी रहे हैं, अब कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, भाई है जो है सो है, इसमें फाइट करने की जरूरत है, मिल करके फाइट करने की जरूरत है। अलग अलग दिशा में भागेंगे तो फिर भागते रह जाएंगे, एक साथ मिलकर के फाइट करने की जरूरत है। तो एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड अभी यही अपडेट है, जैसे जैसे कोई अपडेट आते जाएगा हम बिल्कुल आपको इन्फॉर्म करेंगे। टिल देन टेक केयर एवरीवन।